Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटी सेक्टर में चल क्या रहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का और फंड्स का भी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर के स्टॉक्स या फंड्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम ICICI प्रूफ टेक फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। उसमें हम इनका पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। कोरोना पैंडमिक के समय काफ़ी हद तक वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, आईटी सर्विसेज का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया था, तो उस समय हायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। US में भी और इंडिया में भी हायरिंग बढ़ गया था, क्योंकि उस समय डिमांड्स बढ़ गए थे। तो उस समय एम्प्लॉयज़ का जब डिमांड बढ़ेगा, आपको पता है, उसके कारण काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जॉब स्विच कर रहे थे, काफ़ी सारा हायरिंग हो रहा था। उसके कारण जो मार्जिन्स था, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा होता है आईटी की कंपनीज़ में, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 40-50-60%। तो उस समय जब एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया था, तो इन कंपनीज़ का मार्जिन बुरी तरह से हिट होने लगा था। तो इसके कारण इनके परफॉर्मेंस पे उसी समय से लग रहा था कि थोड़ा हिट आने लगा है। उसके बाद इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आया, लाइक रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे US और यूरोप में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। हमें पता है आईटी सेक्टर, जो इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है US में, और उसके बाद यूरोप में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। तो जब वहाँ की मार्केट्स में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तो नेचुरली इंडियन आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी हिट होने लगा। तो यहाँ पर जब डिमांड कम होने लगा, तो आपने एम्प्लॉयज़ तो बहुत ज़्यादा हायर करके रखे थे, खासकर US में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। इसीलिए वहाँ आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है आईटी सेक्टर में, और पहले काफ़ी हो चुका, अभी भी कुछ हद तक चल रहा है वो, क्योंकि डिमांड में कमी आया है। इंडियन आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखें तो हायरिंग काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि डिमांड नहीं है, US में नहीं है, यूरोप में नहीं है। तो इसके कारण आईटी सेक्टर की जो कंपनीज़ का रिजल्ट्स भी आया है, रिसेंट रिजल्ट्स, वो भी अच्छा नहीं आया है। और US और यूरोप में जो प्रॉब्लम है, अभी वो रिसेंट टाइम्स में एटलीस्ट ख़त्म होने नहीं जा रहा है, एटलीस्ट इस साल तो लगता है कि प्रॉब्लम रहेगा। तो उसके कारण जो आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनका ये परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने जा रहा है ये पूरे साल। लेकिन हमें पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो पहले मूव करता है, तो मोस्टली इस साल के अंत से या फिर नेक्स्ट ईयर से आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, तो स्टॉक मार्केट पहले से रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तो शायद प्रॉब्लम और रहे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में, लेकिन हाँ, उसके बाद शायद और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपने रिसेंटली देखा होगा ना, तो पहले तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा खासा रिकवरी आ रहा है। लाइक इन्फोसिस, TCS, HCL का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में, तो इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, अगर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो मे बी फ्यू मंथ्स और लगेंगे और उसके बाद परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो अगेन, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, कोई भी सेक्टर फंड्स जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, मैंने आपको हमेशा बताया है, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। सेक्टर का अगर आपको आइडिया नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, मार्केट का आइडिया नहीं है, तो सेक्टर फंड से दूर रहे, क्योंकि सेक्टर फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ है, पोर्टफोलियो में देखेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो में, तो उस तरह के स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे डाइवर्सिफाइड में है कि डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क रिलेटिवली कम होता है, वहाँ भी रिस्क है लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है सेक्टर फंड्स में ना, बहुत ज़्यादा रिस्की है, सेक्टर साइक्लिकल होता है, कुछ साल अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस बुरा होगा, मतलब आपके ओवरऑल रिटर्न्स नीचे जाएंगे। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिल्कुल रिटर्न्स यहाँ भी वापस आएगा। एनी हाउ, हम अभी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि फिलहाल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यहाँ पर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड और ICICI प्रूफ टेक फंड का रीसेंट डेट पे रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इसका 10 ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। तो बेंचमार्क के मुकाबले अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, तो सारे होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लाइक 10 ईयर में देखें तो बेंचमार्क का अबाउट 16% का रिटर्न है, 22.55%। 5 ईयर में भी देखें, 3 ईयर में भी अगर आप देखेंगे, और 1 ईयर में भी बेंचमार्क को बीट किया है दोनों ही फंड्स ने।
तो वैसे अगर परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस दोनों ही फंड्स का अच्छा है। यहाँ पे एक पॉइंट आउट मैं करना चाहता हूँ, हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए ये अनफॉर्चुनेट है ना, दोनों ही टेक सेक्टर के फंड्स हैं, सेम सेक्टर, लेकिन यहाँ पे देखिए बेंचमार्क, देखिए दोनों का बेंचमार्क अलग है, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मे बी सेबी को कुछ करना चाहिए, ये आम इन्वेस्टर्स को इसमें कितना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बेंचमार्क का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, बेंचमार्क का रिटर्न कम आ रहा है। तो अगर आप बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस देखेंगे तब तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अच्छा किया है आईसीआईसीआई प्रू, क्योंकि इसका मार्जिन ज़्यादा है बेंचमार्क से। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो टाटा डिजिटल इंडिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, 9.6% रिटर्न है, जबकि इसका सिर्फ 5.9% रिटर्न है। तो एटलीस्ट सेम कैटेगरी में तो बेंचमार्क सेम रहना ही चाहिए, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो कि किस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। सो या पास्ट परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। ऑफ कोर्स रीसेंट टाइम्स में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए रिटर्न्स भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। बट गोइंग अहेड जब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो यहाँ पे भी रिटर्न्स इंप्रूव होंगे। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। कोरोना पैंडेमिक के कारण इस समय स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा गिरावट आया था, उस समय देखिए इनका बेंचमार्क कितना ज्यादा गिरा था 20% से, और उस समय इन दोनों का बेंचमार्क सेम था, बाद में इन्होंने चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने में कितनी आसानी हो रही है जब बेंचमार्क सेम होता है, और जब बेंचमार्क अलग होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है आपको कंपेयर करने में, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क सेम था, तो यहाँ पे इजिली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये बेंचमार्क के आसपास ही गिरा था, जबकि ये बेंचमार्क से काफी ज्यादा गिरा था। उसी तरह से 3 ईयर्स में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है, बेंचमार्क को बीट किया था। तो ओवरऑल जब मार्केट में काफी बड़ा गिरावट आया था उस समय टाटा डिजिटल इंडिया फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर था। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो यहां पे भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ऑफ कोर्स 1 ईयर में उस समय दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ रिलेटिवली टाटा डिजिटल इंडिया फंड का परफॉर्मेंस यहाँ भी ज्यादा अच्छा रहा था। सो अभी हमने डिफरेंट डेट्स पे जो परफॉर्मेंस चेक किया है इन फंड्स का, उससे यही पता चलता है कि परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा अप एंड डाउन होंगे आईटी सेक्टर के फंड्स में। लाइक थ्री डिफरेंट डेट्स पे हमने देखा तो परफॉर्मेंस काफी हद तक अलग था। लाइक पहले तो 2 होराइजन्स में जो हमने देखा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा था मोस्टली, लेकिन हाँ रीसेंट टाइम्स में एटलीस्ट बेंचमार्क के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आईसीआईसीआई प्रो टेक फंड दोनों का ही 3 ईयर होराइजन में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लाइक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखिए 1.2 1.3, ये काफी अच्छा है। अल्फा के मामले में 3 ईयर होराइजन में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूफ टेक फंड का अल्फा ज्यादा अच्छा है, मतलब 3 ईयर होराइजन में इस फंड का जो रिटर्न्स था बेंचमार्क के मुकाबले वो ज्यादा था। 5 ईयर होराइजन में भी देखें तो आईसीआईसीआई प्रूफ का ही परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है, थोड़ा बेटर रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एलोकेशन और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 7,000 करोड़ अबाउट 11,000 करोड़ ये पहुंचने वाला है। एक्सपेंस रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, 1%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनका एक्सपेंस रेशियो ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में डिफरेंस नहीं है, 25 के आसपास है। एनुअल टर्नओवर में बड़ा डिफरेंस है, लाइक ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, स्टॉक पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है, जबकि रीसेंट टाइम्स में इस फंड ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इक्विटी एलोकेशन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अबाउट 97-98%, तो इन्होंने मोस्टली इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट या कैश में ज़्यादा पैसा नहीं रखा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड को मैनेज करती है मीता सेट्टी, जो कि 2018 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं, और आईसीआईसीआई प्रू को मैनेज करते हैं मिस्टर वैभव, जो कि 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन फंड्स का कितना एक्सपोजर है। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लाइक लार्ज कैप में अगर आप देखें तो टाटा में अबाउट 79.5% का एक्सपोजर है,
यहाँ पे अबाउट 81.6% का एक्सपोजर है आईसीआईसीआई में। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मार्केट कैप एलोकेशन वाइज दोनों फंड में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, एक जैसा मार्केट कैप एलोकेशन है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये टेक सेक्टर के फंड्स हैं, तो टेक सेक्टर के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही टाटा डिजिटल ने कम्युनिकेशन सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया है, और आईसीआईसीआई प्रू के फंड ने कम्युनिकेशन और सर्विसेज में थोड़ा एक्सपोजर लिया। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 76% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है टेक फंड्स में, तो एटलीस्ट दो टेक फंड में एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि सेम स्टॉक्स आपको मिलेंगे। लाइक इन्फोसिस अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रू में 27.6% का एक्सपोजर है इन्फोसिस में। टाटा ने भी 21% ऑलमोस्ट का एक्सपोजर लिया, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। टीसीएस में भी दोनों का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 18% का ऑलमोस्ट। तो इन्हीं दोनों स्टॉक्स में इनका ज़्यादातर एक्सपोजर लिया हुआ है। तो अगर ये दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हैं तो ये फंड्स अच्छा करेंगे, अगर यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता तो बुरी तरह से हिट होगा इन दोनों का परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर है इन दोनों ही फंड्स का। फॉरेन इक्विटीज़ में भी थोड़ा एक्सपोजर है, लाइक टाटा डिजिटल इंडिया फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में अबाउट 5% के आसपास का एक्सपोजर है। ये कुछ फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का भी अबाउट 2% का फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर है। इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में ऑफकोर्स आप ये भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 100% इन्वेस्टमेंट आईटी स्टॉक्स में ही हो, दूसरे सेक्टर्स में भी यहाँ थोड़ा एक्सपोजर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक भारतीय एयरटेल अगर आप देखें, इन्फो एज देखें, तो उसी तरह से यहाँ भी भारतीय एयरटेल में एक्सपोजर लिया गया है, रिलायंस में एक्सपोजर लिया गया है, जी इंटरटेनमेंट में एक्सपोजर लिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पीवीआर। तो ऐसा नहीं कि 100% एक्सपोजर टेक स्टॉक्स में ही होता है। इनफैक्ट जो सेक्टर फंड्स हैं वहाँ पे डेफिनेशन ये होता है कि रफली 80% का अबाउट एक्सपोजर उन्हें जिस भी सेक्टर के फंड्स हैं उन सेक्टर के स्टॉक्स में लेना होता है, और बाकी का 20% का एक्सपोजर वो कहीं और ले सकते। अभी हमने टेक सेक्टर के टू फंड्स का जो डिटेल कंपैरिजन किया है उससे क्या पता चलता है? तो उससे ये पता चलता है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो किसी भी तरह के सेक्टर या थीमेटिक फंड से दूर रहें। वो दूर रहने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आपने किसी डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट किया, सपोज़ आपने लार्ज कैप के फंड में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे सिंपली आप निफ्टी या सेंसेक्स के मूवमेंट से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका फंड किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है वहाँ पे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है ना। तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा कर रहा है तो मोस्टली आपका फंड भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा, अगर वो गिर रहा है तो आपका फंड भी मोस्टली गिरेगा, 100% रिप्लीकेट नहीं हो रहा है, बट हाँ एक डायरेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन सेक्टर फंड्स में ऐसा नहीं है। सेक्टर फंड्स में ऐसा हो सकता है कि आप निफ्टी और सेंसेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और आपका फंड तेज़ी से नीचे आ रहा है रिटर्न्स। लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आ रहा है और आपका फंड का रिटर्न्स ऊपर जा रहा है। तो एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, उसके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आइडियली अवॉइड करें। लेकिन हाँ अगर किसी ने एक्सपोजर लिया हुआ है तो देखिए, लॉन्ग टर्म में आपको पता है आईटी सेक्टर अच्छा ही है, इंडिया का तो वेल नोन आईटी सेक्टर है, तो परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा ही आएगा। बट हाँ ये जो नियर टर्म हिकअप्स आएंगे, कभी 1-2 साल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 1-2 साल परफॉर्मेंस नहीं आएगा, इन चीज़ों को आप समझें। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद जब परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ आपने बेच दिया, आपको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, तो इन चीज़ों से, तो अगर इस तरह के इन्वेस्टर हैं तब तो सेक्टर फंड से दूर रहें। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में मोस्टली रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए। और आईटी सेक्टर हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस भी किया है कि अभी थोड़ा पुअर फेस चल रहा है क्योंकि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस हमेशा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यूएस और यूरोपियन मार्केट्स हमेशा डाउन ही रहेंगे, आने वाले समय में वहाँ भी इम्प्रूवमेंट होगा। और वहाँ जब इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है ना वो तो बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं कि वो कम होने जा रहा है, वो बढ़ता जाएगा, तो उसके कारण जो इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। फ्यू मंथ्स हेयर एंड देयर ऑफकोर्स अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, बट जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है ना, अभी तो देख कर यही लगता है कि वो अपवर्ड मूवमेंट ही होगा, और जब कंपनीज का परफॉर्मेंस आएगा तो जो स्टॉक्स हैं इनके उनका भी रिटर्न्स अच्छा खासा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है।
आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रिडीम करना चाहते हैं तो उसके लिए खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।